एक्सक्यूज मी, क्या आप यहीं की रहने वाली हो? जी हाँ, मैं यहीं रहती हूँ, बताइए। अरे वाह, ये तो बहुत अच्छा हो गया। एक्चुअली मैं एक फॉरेन कंट्री से आया हूँ और मैं इस देश में एक अपनी फैक्ट्री सेटअप करना चाहता हूँ। मुझे जानना ये है कि इस देश में सबसे अच्छा शहर या सबसे अच्छा गांव कौन सा है जहाँ पे मैं एक अच्छी सी लैंड पर अपनी ये फैक्ट्री बना सकूँ। क्या ये जानने में आप मेरी मदद कर सकते हो? जी देखिए, आप दूसरे देश से आए हैं तो मैं आपकी मदद करना चाहूंगी, पर मुझे इन सब चीजों के बारे में ज्यादा नहीं पता। पर मैं आपको एक इंसान से मिलाती हूँ जो बहुत अच्छे से जानती है कि आखिर आपको कैसे पता चल जाएगा कि आपको कहाँ पे फैक्ट्री लगानी है और कहाँ पे नहीं। तो चलिए मैं आपको उनसे मिलवा देती हूँ। बिल्कुल दोस्तों, आज जो हम अपने आसपास ही इतनी सारी छोटी बड़ी इंडस्ट्रीज देखते हैं, क्या ये ऐसे ही किसी भी खाली लैंड पे कंस्ट्रक्ट कर दी जाती है? नहीं, बल्कि बहुत सी स्ट्रेटजीज और प्लानिंग के बाद ये डिसाइड किया जाता है कि एक इंडस्ट्री के लिए सही लोकेशन क्या होगी, वो कहाँ सेटअप की जाएगी। और इन सारे फैक्टर्स के बारे में हम आज के लेक्चर से जानेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। चलिए दोस्तों, आज थोड़ी देर के लिए एक इंडस्ट्रियलिस्ट, एक बिजनेसमैन की तरह सोचते हैं। सोचिए, अगर आपको कहीं इंडस्ट्री लगानी हो तो आपके मन में सबसे पहले क्या आएगा? अगर मैं अपनी बात करूं तो मेरे माइंड में तो सबसे पहले ये आएगा कि मैं ऐसी जगह चुनूंगी जहां मुझे रॉ मटेरियल बहुत इजीली और कम कॉस्ट पे मिल जाए, क्योंकि इंडस्ट्री में तो गुड्स को मैन्युफैक्चर किया जाएगा, जिसके लिए रॉ मटेरियल बेसिक नेसेसिटी है। इनफैक्ट मुझे लेबर यानी कि वर्कर्स भी इजीली मिल जाए, क्योंकि दोस्तों इंडस्ट्री में रॉ मटेरियल को प्रोसेस तो लेबर ही करेगी। और हाँ, क्योंकि इंडस्ट्रीज में मेरा काम जल्दी जल्दी हो और अच्छे से हो, इसके लिए मुझे कैपिटल की बहुत जरूरत पड़ेगी, यानी कि मशीन्स और लेटेस्ट टेक्नोलॉजी की। इसलिए जगह ऐसी होनी चाहिए जहाँ ये सारी चीजें मुझे इजीली मिल जाए। लेकिन मैंने सुना है कि आजकल बहुत से एरियाज में पावर कट बहुत ज्यादा होता है, कई कई बार तो पूरा पूरा दिन लाइट नहीं आती। लेकिन मैं तो ऐसी जगह चुनूंगी जहाँ इलेक्ट्रिसिटी अच्छे से अवेलेबल हो, क्योंकि इंडस्ट्री में मशीन्स तो इलेक्ट्रिसिटी से ही चलेंगी, और अगर इलेक्ट्रिसिटी नहीं होगी तो प्रोडक्शन का तो सवाल ही नहीं उठता। ये सारे फैक्टर्स पर मैं डिसाइड करूंगी कि मैं कहाँ इंडस्ट्री सेटअप करूंगी। और हाँ, सबसे बड़ी बात, इस बात का भी पूरा ध्यान रखूंगी कि इंडस्ट्री में जो गुड्स बनाए जाएंगे उन्हें सेल करने के लिए मेरे आसपास मार्केट हो, क्योंकि गुड्स सेल तो मार्केट पे ही होंगे ना, और उन्हें मार्केट तक ले जाने के लिए ट्रांसपोर्टेशन की बहुत जरूरत पड़ेगी। इसलिए इन सारे फैक्टर्स के बेसिस पर मैं अपना डिसीजन लूंगी। और साथ ही ये बहुत जरूरी है कि मुझे ये सारी चीजें कम से कम कॉस्ट पर मिले, क्योंकि बिजनेस तो अपने प्रॉफिट के लिए किया जाता है। और जब मुझे ये सारी बेसिक चीजें कम से कम कॉस्ट पे मिलेंगी और मेरे बनाए गए गुड्स, मैन्युफैक्चर किए गए गुड्स मार्केट में ज्यादा प्राइस पे बिकेंगे, तभी तो प्रॉफिट होगा, पैसा आएगा और मेरा फायदा होगा। वैसे दोस्तों, जब इंडस्ट्री सेटअप की जाती है तो सिर्फ इंडिविजुअल्स का फायदा नहीं होता, बल्कि पूरे नेशन का फायदा होता है, क्योंकि जिस भी रीजन में इंडस्ट्री को सेटअप किया जाता है वहां डेवलपमेंट होती है, एम्प्लॉयमेंट की नई अपॉर्चुनिटीज मिलती हैं। और वैसे तो हम अधिकतर इंडस्ट्रीज को बड़े बड़े शहरों में सेटअप करते हैं, क्योंकि वहां हमें ये सारे फैक्टर्स तो मिलते ही हैं, साथ ही बैंकिंग, इंश्योरेंस और कंसल्टेंसी जैसी सर्विसेज मिलती हैं। लेकिन दोस्तों, जब हम इंडस्ट्रीज को बैकवर्ड और रूरल एरियाज में सेटअप करते हैं तो वहां अर्बनाइजेशन होती है, वो छोटे से छोटा गांव भी शहर बनने लगता है और वहां बहुत तरक्की होती है। इसलिए दोस्तों, इंडस्ट्रीज की लोकेशन के बारे में बहुत सारे फैक्टर्स को कंसीडर करके ही डिसीजन लिया जाता है। तो अब आप सब बहुत अच्छे से समझते हैं इंडस्ट्रियल लोकेशन के बारे में। इसी के साथ हमने कवर कर लिया है आज के लेक्चर को। अब नेक्स्ट लेक्चर में मिलके बात करेंगे इंडस्ट्रीज की क्लासिफिकेशन के बारे में। सो सी यू इन नेक्स्ट लेक्चर। आई एम श्योर स्टूडेंट्स, आपको ये वीडियो बहुत पसंद आया होगा। तो इसी तरह से एक मजेदार तरीके से अपने हर कॉन्सेप्ट को क्लियर करने के लिए डाउनलोड कीजिए पीयू स्टैक ऐप, जहां आपके लिए और भी कई सारे ऑप्शंस हैं, जैसे कि आपके लिए सैम्पल पेपर्स हैं, बैक एक्सरसाइज सॉल्यूशंस, स्टेप वीडियोस एंड मच मोर। सो व्हाट आर यू वेटिंग फॉर? डाउनलोड द ऐप नाउ।